ओम शांति। आत्मा बनकर बैठे अपने मस्तक सिंहासन पर। हम सभी को बाबा ने सेवा के फील्ड में रखा है। सेवा क्या है? युग परिवर्तन करना, सभी को बाबा का मैसेज देना, न केवल मैसेज देना लेकिन सत्य ज्ञान भी देना, सभी को अपने परम पिता से मिलवाना, सभी के दुख दर्द टेंशन समस्याएं समाप्त करवाना, उन्हें गाइड भी करना और उन्हें अच्छे वाइब्रेशंस भी देना। वाइब्रेशंस देना हमारी सबसे महत्वपूर्ण सेवा है। हम तीनों सेवाएं एक साथ करें। वाचा के द्वारा हम ज्ञान देते हैं, वो सेवा हमारी चलती है। साथ साथ मनसा के द्वारा सभी को श्रेष्ठ वाइब्रेशंस मिलते रहें, शुभ भावनाओं का दान मिलता रहे, सबको हमारे पास आते ही ऐसा लगता रहे हम अपने परिवार में आ गए, हम वहीं आ गए जहां हमें आना चाहिए था। मनसा वाइब्रेशंस हम प्रकृति को भी देते रहें, वायुमंडल को पावन बनाने के लिए भी देते रहें। ये दूसरी सेवा हमारी चलती रहे। और तीसरी सेवा है कर्मणा। कर्मणा यज्ञ सेवा भी है। कर्मणा यज्ञ में हम किसी भी तरह का कार्य करते हैं या अपने घर को ही यज्ञ मानकर काम करते हैं तो यज्ञ सेवा हो जाती है। लेकिन जब हम कर्म क्षेत्र पर रहते हैं तो हमारी धारणाएं, हमारा गुण स्वरूप जीवन, हमारी प्योरिटी, हमारी श्रेष्ठ दृष्टि दूसरों को बहुत कुछ सिखाए, उनकी सेवा करे। काम तो सभी संसार में करते हैं लेकिन जब वो हमें कार्य करते देखें तो ये महसूस करें ये कितने हल्के हैं, ये तो ऐसे काम करते हैं जैसे कि मानो कुछ करते ही ना हो। संसार में समस्याएं तो सबके ही सामने आती हैं पर जब वो हमें देखें तो उन्हें महसूस हो कि ये कितने तनाव से मुक्त हैं, ये कितने पावरफुल हैं, समस्याओं को पार करने में ये कितने समर्थ हैं, हमें भी वैसा ही होना चाहिए। जब वो आपको परिवार में रहते देखें तो ये देखें कि परिवार में तो सभी रहते हैं पर इनके परिवार में कितना प्यार है, कितनी अंडरस्टैंडिंग है, कितना खुशी का माहौल है, कितना एक दूसरे के सभी लोग सहयोगी हैं, सब एक दूसरे का सम्मान करते हैं, बड़ा हल्का वातावरण है परिवार में। मैंपन मेरा तू मैं क्रोध अहंकार इससे ये मुक्त हैं। हमारा ऐसा पारिवारिक जीवन देखकर बहुत बड़ी सेवा होती है। तो हम हर तरह की सेवा लगातार करते चलें। जितना हम गुण स्वरूप बनते जाएंगे दूसरों पर हमारी अमिट छाप पड़ेगी और दूसरे लोग इससे कुछ ना कुछ प्रेरणा अवश्य लेंगे। साथ साथ अपनी दिनचर्या में 10 मिनट सवेरे 10 मिनट शाम को इस संसार को या प्रकृति को, दुखी आत्माओं को या वायुमंडल को श्रेष्ठ वाइब्रेशंस अवश्य दें। इस संसार में अनेक लोग रोगों से पीड़ित हैं, उनको वाइब्रेशंस देकर हम उनकी मदद करें, भले रोगों के जिम्मेदार वो स्वयं रहे हों, उन्होंने कोई विकर्म किए हों या वर्तमान में गलती की हो, लेकिन हमारा कर्तव्य है अब उन्हें मदद करना। तो ये सभी सेवाएं हमारी चलती रहें। ये तीनों तरह की सेवा सारा दिन चले, इसको ही कहते हैं एक साथ तीनों तरह की सेवा करना। और मान लो हम किसी को समझा रहे हैं, प्रदर्शनी समझा रहे हैं, तो समझाते हुए आत्मिक दृष्टि रखना। ये हमारे परिवार के देवकुल की आत्माएं आई हैं, इस गुड फीलिंग में रहना और चलते फिरते भी उसी समय हमारे गुणों की छाप दूसरों पर पड़ती रहे ऐसा रहना। ये है तीनों तरह की सेवा एक साथ करना। तो आज सारा दिन हम सभी विशेष रूप से ग्लोब को वाइब्रेशंस देंगे। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान पूर्वज आत्मा हूं,
मेरे सामने है ग्लोब, बाबा की किरणें मुझ पर पड़ रही हैं और मुझ मेरे मस्तक से निकलकर जा रही हैं पूरे ग्लोब को। जैसे अब ग्लोब काला हो गया है और उसका रंग गोल्डन होता जा रहा है, ऐसे ग्लोब को वाइब्रेशंस बार बार देंगे, ये सारे संसार को वाइब्रेशंस पहुंचाने की श्रेष्ठ सेवा होगी। ओम शांति।